अगर आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एंटर करना चाहते हो तो एक अच्छे एप्लीकेशन पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि बिटकॉइन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सी क्रिप्टो करेंसी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। ये सारी चीजें आपको खुद रिसर्च करनी है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपने डिसीजन ले लिया है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का और इसमें ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का, तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एप्स तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे और उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज करना चाहिए। आज मैं आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप है और पर्सनली मैं खुद इस एप्लीकेशन का यूज करता हूँ। तो आपके ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ मैं किस ऐप की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ WazirX ट्रेडिंग ऐप की। जी हाँ, WazirX इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इसके 1 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया में और इसकी प्ले स्टोर पर रेटिंग भी बाकी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों WazirX बाकी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से बेटर है इंडिया में। WazirX ऐप की सबसे पहली चीज जो मुझे काफी अच्छी लगती है वो है एक्सेसिबिलिटी ओवर अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स। WazirX का आपको एंड्रॉइड ऐप में मिलेगा, आप iOS स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो और WazirX की वेबसाइट भी है। और वहीं पर बात करें WazirX के कॉम्पिटिटर CoinSwitch की, जो कि काफी फेमस हो रहा है आजकल, उसकी सिर्फ मोबाइल ऐप ही अवेलेबल है। WazirX पर आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट दोनों तरह से ही कर पाओगे और ये काफी ज्यादा हेल्प करता है ट्रेडिंग में। अब बात करते हैं WazirX के सेकेंड पॉइंट की, जो कि इसे और ज्यादा खास बना देता है, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जी हाँ गाइस, WazirX सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत बेहतर है। यहाँ पर जिस भी यूजर का अकाउंट बनता है उसको अपनी KYC प्रोवाइड करनी होती है, बिना KYC के आप यहाँ पे अकाउंट नहीं बना सकते। और गाइस रही बात WazirX पर ट्रस्ट करने की, तो जब इंडिया में बिटकॉइन बैन हो गया था तो WazirX ही एक अकेली कंपनी थी जो इसके लिए लड़ रही थी और जितने भी लोगों ने WazirX पर अपना अकाउंट बना रखा था, इस पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, उन सभी लोगों का पैसा सेफ था। और गाइस WazirX को ओन करती है बाइनांस कंपनी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में WazirX से बेहतर इंडिया में कोई एप्लीकेशन नहीं है, आप इसे गूगल भी कर सकते हो। नाउ अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि किसी भी एप्लीकेशन को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है परफॉर्मेंस एंड यूजर इंटरफेस। WazirX पर आप बहुत ही फास्ट तरीके से विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स कर सकते हो और जब आप क्रिप्टो करेंसी को बाय या सेल करते हो तो बहुत ही स्मूथली आपके ट्रांजेक्शन होते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पे जब भी आप मनी डिपॉजिट करोगे तो ये बिल्कुल भी डिले नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप डिपॉजिट करोगे तो 2-4 घंटे बाद आपके वॉलेट में पैसे आएंगे, या फिर आप वॉलेट से जब पैसे विड्रॉ करोगे तो वो भी प्रोसेस होने में टाइम लगाता है। इंस्टेंटली आपके बैंक में डिपॉजिट और विड्रॉल्स होते हैं, जो कि बाकी इंडिया में अवेलेबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस एप्लीकेशन से बहुत बेटर है। और बात करें WazirX के यूजर इंटरफेस की, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि CoinSwitch ने जो इंटरफेस बना रखा है वो काफी ज्यादा इजी है इसके कंपैरिजन में, बट आपको WazirX ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा और आप इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकेंगे। नाउ फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ट्रेडिंग चार्जेस। जी अगर ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, अगर आप बाय सेल ज़्यादा करते हो तो जो ट्रेडिंग चार्जेस या हिडन चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा खलते हैं यार। और बात करें इसके कॉम्पिटिटर CoinSwitch की, तो वो साफ साफ बोलता है कि आपको यहाँ पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप उसमें बाय या सेल करोगे तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन गाइस WazirX आपके साथ ऐसी कोई चीटिंग नहीं करता है, ये हर एक ट्रेड पे बाय या सेल करने पर 0.2% की फीस लेते हैं, जो कि बाकी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के चार्जेस से काफ़ी कम है। और WazirX की सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहां पे UPI, NFT, RTGS हर पेमेंट मेथड से बड़े ही आराम से इंस्टेंटली ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, जो कि इस प्लेटफॉर्म को और ज्यादा बेटर बना देते हैं। सो यस गाइज, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट साइन अप करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। और गाइज मैं आपको बता दूं, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था, मैंने WazirX से पैसे नहीं लिए ये सब बोलने के लिए। मैं इस एप्लीकेशन का खुद यूज करता हूं और मैंने बहुत सारी रिसर्च करके आपको ये एप्लीकेशन सजेस्ट किया है। सो यस गाइज, अगर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो WazirX आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आपको उस पर क्लिक करना है और वहां पर साइन अप कर लेना है। KYC के लिए आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप बहुत ही आसान तरीके से और सेफ तरीके से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर पाओगे। सो आई होप गाइज अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस प्लेटफॉर्म से आपको शुरुआत करनी चाहिए। सो वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा।
तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। आने वाली वीडियोस काफी मजेदार होंगी जिनमें मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव चीजें बताने वाला हूं। और गाइस वजीरेक्स में कैसे आप किसी कॉइन को खरीद या बेच सकते हो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हो या फिर इस वीडियो के एंड होते ही वो वीडियो का कार्ड आ जाएगा, उस पर क्लिक करके देख लेना। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।